तेमुजिन के जन्म का वर्ष विवादित है क्योंकि इतिहासकार अलग अलग तारीखों का पक्ष लेते हैं, 1155, 1162 या 1167। कुछ परंपराएं उसका जन्म सुअर के वर्ष में करती हैं, जो या तो 1155 या 1167 था। एक आठ जबकि 1155 की डेटिंग झाओ हॉन्द और रशीद अल दीन दोनों के लेखन द्वारा समर्थित है। अन्य प्रमुख स्रोत जैसे युआन का इतिहास और शेंगहु 1162 के पक्ष में है। एक नौ 1167 की डेटिंग जिसे पापोलॉजिस्ट पॉल पेलियट ने पसंद किया है, एक छोटे स्रोत से ली गई है, युआन कलाकार यान वेझेन का एक पाठ, लेकिन 1155 की तुलना में चंगेज खान के जीवन की घटनाओं के साथ अधिक सुसंगत है, जिसका अर्थ है कि उनके 30 वर्ष की आयु के बाद तक बच्चे नहीं थे। 1162 वह तिथि है जिसे अधिकांश इतिहासकार स्वीकार करते हैं। 21 इतिहासकार पॉल रचनेविस्की ने उल्लेख किया कि तेमुजिन को स्वयं भी सच्चाई का पता नहीं था। 22 तेमुजिन के जन्म का स्थान जिसे सीक्रेट हिस्ट्री ने उन्होंने नदी पर देलून बोल्डो के रूप में दर्ज किया है, पर भी इसी तरह बहस होती है। इसे या तो खींची प्रांत के दादल में या रूस के दक्षिणी अगिनबुरियत ओक्रक में रखा गया है। 23 तेमुजिन का जन्म मंगोल जनजाति ई के बोरजिगिन कबीले में येसुगेई के घर हुआ था, जो एक सरदार था और महान सरदार बोडोन चमुनखा के वंशज होने का दावा करता था, और उसकी प्रमुख पत्नी होयलुन, जो मूल रूप से ओलखुनुत कबीले की थी, जिसे येसुगेई ने उसके मरकित दूल्हे चिलेदु से अपहरण कर लिया था। 25 उनके जन्म के नाम की उत्पत्ति विवादित है। शुरुआती परंपराओं का मानना है कि उनके पिता तातारों के खिलाफ एक सफल अभियान से तेमुचिनुगे नामक एक बंदी के साथ लौटे थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी जीत के जश्न में नवजात का नाम रखा, जबकि बाद की परंपराएं मूल शब्द तैमोर जिसका अर्थ है लोहा पर प्रकाश डालती है और सिद्धांतों से जोड़ती है कि तेमुजिन का अर्थ लोहार है। 26 तेमुजिन के जन्म के इर्द गिर्द कई किंवदंतियां हैं। सबसे प्रमुख यह है कि वह अपने हाथ में खून का थक्का पकड़े हुए पैदा हुआ था। एशियाई लोक कथाओं में एक मूल भाव ये दर्शाता है कि बच्चा योद्धा होगा। 27 दूसरों ने दावा किया कि अलुन को प्रकाश की एक किरण से गर्भवती किया गया था, जिसने बच्चे के भाग्य की घोषणा की, एक किंवदंती जो पौराणिक बोरजिगिन पूर्व जेलंगू की प्रतिध्वनि थी। 28 तेमुजिन के बाद येसुगेई और हो अलुन के तीन छोटे बेटे हुए, कासर, हचियुन और तेमुगे, साथ ही एक बेटी तेमुलुन। तेमुजिन के 200 भाई भी थे, बेहतर और बेलगुटेल, येसुगेई की दूसरी पत्नी सोचीगेल से, जिनकी पहचान अनिश्चित है। भाई बहन ओनोन के तट पर येसुगेई के मुख्य शिविर में बड़े हुए, जहां उन्होंने घोड़े की सवारी करना और धनुष चलाना सीखा। 29 जब तेमुजिन 8 साल का था, उसके पिता ने उसकी सगाई एक उपयुक्त लड़की से करने का फैसला किया। येसुगेई अपने उत्तराधिकारी को हो लुन के प्रतिष्ठित ओंगिरक जनजाति के चरागाहों में ले गया, जिसने पहले कई मौकों पर मंगोलों के साथ विवाह किया था। वहां उसने तेमुजिन और बोटे के बीच सगाई की व्यवस्था की, जो देई सेचेन नामक एक ओंगिरक सरदार की बेटी थी। चून की सगाई का मतलब था कि येसुगेई को एक शक्तिशाली सहयोगी मिलेगा, और चून की बोटे ने उच्च वधू मूल्य की मांग की थी। देई सेचेन ने मजबूत बातचीत की स्थिति बनाए और मांग की कि तेमुजिन अपने भविष्य के कर्ज को चुकाने के लिए उसके घर में रहे। 30 इस शर्त को स्वीकार करते हुए येसुगेई ने तातारों के एक समूह से भोजन का अनुरोध किया। येसुगेई धीरे धीरे बीमार हो गया, लेकिन घर लौटने में कामयाब रहा। मौत के करीब उसने मुंगलिग नामक एक भरोसेमंद अनुचर से उंगिराग से तेमुजिन को वापस लाने का अनुरोध किया। उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। येसुगेई की मौत ने उसके लोगों की एकता को तोड़ दिया, जिसमें बोरजिगिन, कचियुद और अन्य कुलों के सदस्य शामिल थे। चून की तेमुजिन अभी 10 साल का नहीं हुआ था और बेहतर लगभग 2 साल बड़ा था, इसलिए दोनों को शासन करने के लिए पर्याप्त अनुभवी नहीं माना गया। त्याचियुद गुट ने हो अलुन को पूर्वज पूजा समारोह से बाहर रखा, जो एक शासक की मृत्यु के बाद होता था, और जल्द ही उसने अपना शिविर छोड़ दिया।